अपने पहले पति का गला दबाकर हत्या करने और अपने प्रेमी के साथ घर बसाने वाली महिला की उसी के दूसरे पति ने गला दबाकर हत्या कर दी, मौके से फरार हो गया। गुरुग्राम पुलिस ने फरार आरोपी को वारदात के कुछ घंटों में ही गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। एसीपी क्राइम की माने तो मृतका कमला पर 2018 में अपने पहले पति की नहर किनारे हत्या किए जाने का मामला दिल्ली में थाने में दर्ज है, जिसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दे दी गई है। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। ये दिनांक 2/3/2022 को सुशांत लोक पुलिस को सूचना मिली थी कि कन्हई कॉलोनी में एक महिला की गला दबा के हत्या की गई है, जिसके संबंध में पुलिस ने वहाँ पे जाके उसके परिजनों से स्टेटमेंट लेके FIR दर्ज की, जिसमें उन्होंने बताया कि मृतक कमला व एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति पति पत्नी के रूप में रहते थे और ये यहाँ पे किराए पे कन्हई कॉलोनी में रह रहे थे और इनका आपस में, क्योंकि सुरेंद्र कोई काम नहीं करता था, इस बात को लेके आपस में झगड़ा होता था और इसकी जब डेड बॉडी मिली तो सुरेंद्र वहाँ से गायब था, तो ये आशंका जताई गई थी कि सुरेंद्र ने ही इसकी हत्या की है और वो वहाँ से फरार हो गया। जो आरोपी फरार हुआ था उसको गोल्ड सुख के पास से गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि मैंने ही गला दबा के इसकी हत्या की है और मैं पुलिस से बचने के लिए वहाँ से भाग गया था। उसने पूछताछ में ये भी बतलाया कि ये जो मृतक महिला है इसके पति की भी उसने कुछ साल पहले दिल्ली में हत्या की थी, क्योंकि ये पति पत्नी इस सुरेंद्र के नज़दीक ही रहते थे, वहाँ पे इसकी परचून की दुकान थी और इन दोनों के अवैध संबंध वहाँ पे बन गए। तो उसके पति महेश को इसके बारे में जानकारी मिली तो उसने विरोध किया, तो इस रंजिश को ध्यान में रखते हुए उसने नहर के किनारे ले जाके सिर में चोट मार के उसकी हत्या कर दी और नहर में फेंक दिया, जिसके संबंध में भी हमने दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हत्या की वजह ये थी कि अब वो सुरेंद्र कोई काम करता नहीं था और वो नशे का भी आदी था और इसलिए इन दोनों के आपस में झगड़े होते थे, तो उसने अब इससे पीछा छुटाने के लिए और उसने इसको हत्या की वारदात को अंजाम दिया।